सीआईएससी को लेकर मैंने शुरुआत में वीडियो बना के आपको बताया था कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन को लेकर सबसे ज्यादा मेहनत 2025 में करने जा रहे हैं। तो आप लोग कहते कि कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं, लेकिन वो अब पहले के जमाने थे। डेज आर गॉन व्हेन यू आर अवार्डेड मार्क्स अ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एसपीडब्ल्यू 20-30 इवन 50 मार्क्स इवन 70 मार्क्स फाइन आर्ट्स एंड अदर सब्जेक्ट फॉर योर प्रोजेक्ट एंड वॉट एवर स्कूल वुड थिंक अपॉन यू। इसके कारण बहुत सारे क्वेश्चंस उठते रहे कि स्कूल पैसा लेकर मार्क्स दे देता है, स्कूल कुछ स्टूडेंट को फेवर करता है, कुछ स्टूडेंट को फेवर नहीं करता है, जो कमजोर स्टूडेंट है उसको कमजोर ही के बाद हिसाब से मार्क्स दे दिए जाते हैं और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसको ब्रिलियंसी के हिसाब से मार्क्स दे दिए जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, स्टूडेंट के कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के आधार पर उसको स्कूल 100 मार्क्स यानी कि 20% से 30% मार्क्स जो स्कूल अवार्ड करता है वो देगा। बाकी 80 मार्क्स के जो रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, थ्योरी पेपर होंगे, उनमें आप समझिए, और उसको लेकर बोर्ड सीआईएससी कहता है कि उसमें तो कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन स्कूलों ने जो मार्क्स देने का निर्धारण किया है उनके कुछ पैरामीटर्स तय होंगे और ये पैरामीटर्स मोटे तौर पर तीन बातों को दर्शाते हैं। हालांकि सब पॉइंट ले लेंगे तो 6 पॉइंट हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 कि किसी भी स्टूडेंट का क्या परफॉर्मेंस है उसके क्लास में, एक एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस या एक टेस्ट के परफॉर्मेंस के आधार पर आप उसको प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट के पूरे मार्क्स नहीं दे सकते हैं। उसको देखने होंगे कि आपके लगातार एक एकेडमिक सेशन या फिर कंटिन्यूअस जो इसके तीन सब सेशंस होते हैं उसमें यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, सेंटर एग्जामिनेशन और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले तक कैसा परफॉर्मेंस करते आए हैं या कर रहे हैं। यदि स्टूडेंट के परफॉर्मेंस ऑन द पार एक्सेलेंट है तो वहां पर स्टूडेंट को आप फुल मार्क्स अवार्ड कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट कि स्टूडेंट का अटेंडेंस कितना है, स्कूल आते हैं कि नहीं आते हैं या ऑफलाइन की तरह ही जो मन आया पढ़ा, जो मन नहीं आया नहीं पढ़ा और एज इट इज रहा। बहुत सारे स्टूडेंट है जो हर महीने 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन एबसेंट कर देते हैं और उनका एवरेज जो अटेंडेंस है 70% से नीचे आ जाता है या 75% किसी तरह से लास्ट में बढ़वा लेते हैं या बढ़ा दिया जाता है स्कूल के द्वारा भाई कि बच्चे को बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, मेडिकल वगैरह। तो ऐसे में ऐसे स्टूडेंट के मार्क्स जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एसपीडब्ल्यू के है, कहा ना कि उसको 20 मार्क्स जो दिए जाते हैं और 30 मार्क्स भी होता है, कहीं पर 50 मार्क्स भी होता है, 70 मार्क्स तक है। तो इनको लेकर स्कूलों को स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई है सेकंड पॉइंट के रूप में कि स्कूल में स्टूडेंट का प्रेजेंस और क्लासरूम स्टडी होना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि कोई भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन और ऑनलाइन पढ़ाई का एक मैटर है, ऑफलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन एग्जामिनेशन डज मैटर मच मोर। इसीलिए फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन की को सबसे ज्यादा वरीयता देने की बात कही गई है। थर्ड पॉइंट बताने से पहले मैं ये बताऊंगा कि यदि आप बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए, चूंकि ये सारी बातें बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए कही गई, तो आईएससी के लिए 10 ईयर्स है जिसमें सॉल्व पेपर है और इसमें सभी मेन सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इवन मैथमेटिक्स के साथ कंप्यूटर साइंस के और इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन भी दे दिए गए हैं। तो 10 इयर्स के क्वेश्चन आंसर जो सीआईएससी के मार्किंग स्कीम से वो अवेलेबल है और इसी तरह से आईसीएसई में यहाँ पर सभी सब्जेक्ट हिंदी हो गया और हिंदी के तीनों बुक के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, होम साइंस, एनवायरमेंट साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिकल एप्लीकेशन, कमर्शियल स्टडीज, सभी सब्जेक्ट के 10 इयर्स के क्वेश्चन उसके आंसर दिए गए हैं, आप इसका चुनाव कर सकते हैं। और लास्ट में पॉइंट, तीसरी पॉइंट के लास्ट में यह कहा गया है कि स्टूडेंट के जो भी परफॉर्मेंस है उसको कंटिन्यूअसली निकालने के साथ एक ऑफलाइन रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए और जब उनके प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट हो रहे हो, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट नहीं सबमिट करते हैं और लास्ट में एक्सक्यूज देने के बाद मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसे में वैसे स्टूडेंट को फुल मार्क्स नहीं दिया जाएगा चाहे कारण जो कुछ भी रहा हो। तो इन सारे बात को हाईलाइट करते हुए यह कहा गया है टीचरों को कि आप अपने क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका चार्ट बनाइए, अटेंडेंस का चार्ट बनाइए, सब्जेक्ट इनरिचमेंट किस तरह से इंटरेक्शन करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं नहीं पूछते हैं, उन्होंने सारे होमवर्क फेयर कॉपी तैयार किए कि नहीं किए हैं और इसके साथ प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट को लेकर किस तरह से एंथुजिस्टिक्स है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, स्पोर्ट्स है, फाइन आर्ट्स है या कॉम्पिटिशन है, इनमें भाग लेने में कैसे, इन सभी के आधार पर उनके मार्क्स के फाइनल डिसीजन करने हैं और इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल का लास्ट एग्जाम जरूर होगा। तो इन बातों को याद रखिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना याद रखिए।